नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत और दांडी में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र से पहले आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरे मैच में मेजबान स्पेन को 5-2 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत और दांडी जाएंगे। एक दिन के दौरे में प्रधानमंत्री सूरत हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे और नया भारत युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। वे सूरत में एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। 25,500 वर्ग क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए के खर्च से यह नया टर्मिनल बनेगा। प्रधानमंत्री सूरत में नए भारत के युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और रसिलाबेन सेवंतीलाल शाह विनस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री नवसारी जिले में ऐतिहासिक दांडी की मुलाकात लेंगे, जहां राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहां महात्मा गांधी के साथ पैदल चलने वाले 80 सत्याग्रहियों की प्रतिमाएं बनाई गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री की इस महीने ये दूसरी गुजरात यात्रा होगी। इससे पहले वे 19 जनवरी को सूरत आए थे। समग्र राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 71वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता नई दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। समाधि स्थल पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज उनके जन्मस्थल गुजरात में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। साबरमती आश्रम में आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बापू के जन्मस्थल पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपिता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सम्मान में आज सवेरे 11:02 का मौन रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्र कृतज्ञ भाव से महात्मा गांधी और उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता है, जिन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी ट्वीट में कहा कि बापू की पुण्यतिथि पर वे गुजरात के दांडी में होंगे, जहां से महात्मा गांधी ने उपनिवेशवाद की ताकत को चुनौती दी थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सदन की सुचारू कार्यवाही में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का अनुरोध करेंगे। सत्र की शुरूआत पर संसद के सेंट्रल हॉल में कल सुबह 11:00 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अंतरिम बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। सरकार ने भी कल संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट और संसद के समक्ष मुद्दे शीर्षक से परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम राजधानी चैनल पर आज रात 9:30 सुना जा सकता है। संसद के समक्ष मुद्दे परिचर्चा आज रात 9:30 इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में आए लोगों के खिलाफ व्यापक हिंसा और आगजनी पर गंभीर चिंता प्रकट की है। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और हिंसा में लगे लोगों को कानून के कटघरे में लाने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो कानूनी प्रक्रिया से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में कहा कि मंदिर निर्माण के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने अयोध्या में विवादित स्थल के आसपास की अधिग्रहित की गई 67 एकड़ भूमि इसके मूल स्वामी को वापस करने की अनुमति की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को एक शपथ पत्र दाखिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पापा, हमारा पक्का घर बन जाने पर नया सामान लोगे ना? क्या क्या चाहिए हमारी बेटिया रानी को? हॉल में रखने के लिए टेलीविजन। अच्छा, और मम्मी के लिए किचन का सामान और पापा, घर के अंदर एक टॉयलेट। हमको टॉयलेट के लिए बाहर ना जाना पड़े। जरूर बेटी। अच्छा और बताओ, रानी बेटी को फिर क्या क्या चाहिए? मेरे लिए एक स्टडी टेबल, चेयर और किताबें रखने के लिए एक अलमारी। हाँ, हमारी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। क्यों रानी को झूठे सपने दिखा रहे हो? अरे ये सच है, ये देखो हमारा लेटर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के अंतर्गत अब हमारे पक्के घर का अधूरा सपना होगा पूरा। सच? जी हाँ, अब सबके सपने हो रहे हैं पूरे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले घरों से लाखों लोगों ने अपने घर का सपना किया है पूरा। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय शहरी निकाय से संपर्क करें। हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ट्रेन में अकेले सफर करना सुरक्षित है क्या? हाँ बिल्कुल, 182 है ना। अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा हो तो डायल करो 182। और अगर पर्स या कुछ कीमती सामान चोरी हो जाए तो डायल करो 182। और कोई ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे अपना सामान भूल जाए तो? अरे भाई, सबके लिए 182। अगर ट्रेन में सफर करते वक्त कोई करे परेशान या चोरी हो जाए कुछ कीमती सामान या फिर भूल जाए आप अपना सामान, तो याद रखें रेलवे सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182 182, जिसपे होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। जमीन के नीचे पानी का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। कई गांवों में नल और कुएं सूखे हुए हैं और पानी के लिए उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता है। उनकी पानी की समस्या को आप दूर कर सकते हैं अपना डोनेशन देकर। डोनेशन देने के लिए पानी का नल कहीं व्यर्थ खुला देखें तो बंद कर दें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले 4 लेन के गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी है। इसकी लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपए होगी। प्रयागराज में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, ये एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबा होगा और इसका 6 लेन तक विस्तार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद ये एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मंत्रिमंडल ने फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पर GST माफ करने का भी फैसला किया। प्रयागराज कुंभ मेले में हर चीज को बदलते समय के अनुरूप नया रूप दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार मेले में खोया पाया केंद्रों को भी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों से लैस किया गया है। कुंभ मेले का दायरा इस बार बढ़कर 3200 हेक्टेयर क्षेत्र है। भूले भटके लोगों की तलाश और उनकी मदद के लिए 15 अत्याधुनिक तकनीक से लैस खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्र के प्रभारी ने आकाशवाणी को बताया कि 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन नंबर 1920 काम कर रहा है। जिस केंद्र पे भी कोई रिपोर्टिंग करता है कि हमारा बच्चा खो गया है, तो उसकी अगर फोटो है तो फोटो अगर हमारे केंद्र पे दे देते हैं तो हम सभी केंद्रों पे एक साथ डिस्प्ले करा देते हैं। पूरे मेला क्षेत्र की जियो टैगिंग की गई है, जिससे केंद्रों पर शिकायत करने वालों की भौगोलिक स्थिति का स्वतः पुलिस को पता चल जाता है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कुंभ मेला सिटी, प्रयागराज। भारत और किर्गिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने और कट्टरवाद को समाप्त करने के अनुभव साझा करने में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है।
कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगिज अजामाटोविच आइदर बेकोफ की वार्ता के दौरान दोनों देशों ने शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र में आपसी सहयोग की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, विकास साझेदारी और व्यापार सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को कल विदेशों में भी विद्यार्थियों की भरपूर सराहना मिली। कोलंबो में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अनेक स्कूलों में परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के बाद कोलंबो में हमारे विशेष संवाददाता से बातचीत में विद्यार्थियों ने कहा कि ये उनके लिए काफी मददगार साबित होगा। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमारे मन में पढ़ाई के बारे में जो प्रश्न थे उनके लिए भी हमें जवाब मिले। बहुत ही धन्यवाद। आज जो परीक्षा पे चर्चा इस प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीखा है। हिंदी हमारे बच्चों के कानों तक पहुंची आज। काठमांडू में हमारे संवाददाता ने केंद्रीय विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जो हमें बातें बताई हैं वो हमारे अंदर एक नया उत्साह क्रिएट की और उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट किया जो हमारे एग्जाम्स में हमें काफी काम आया। पहले मैं परीक्षा के नाम से घबरा जाता था पर ये सुन के मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई कि मैं हर एक परीक्षा से डील कर सकूं ऐसे वे में कि मुझमें कोई स्ट्रेस ना हो और मैं कोई भी परीक्षा में अच्छा कर सकूं बिना किसी स्ट्रेस। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल विश्व कप कांस्य पदक विजेता स्पेन को श्रृंखला के तीसरे मैच में 5-2 से हरा दिया। दोनों टीमें चार मैच की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी पर हैं। चौथा मैच कल खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल के पास गैर विवादित 67 एकड़ जमीन उसके मूल मालिकों को लौटाने की अनुमति के लिए केंद्र की ओर से उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर करने का समाचार आज के सभी अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मंदिर पर कोर्ट में सरकार का रामबाण, विवादित जगह छोड़ बाकी जमीन लौटाने की मांगी इजाजत। कुंभ मेला क्षेत्र में यूपी कैबिनेट की अभूतपूर्व बैठक अधिकतर अखबारों की सुर्खी में है। अमर उजाला लिखता है, गंगा में सरकार, प्रयागराज और मेरठ के बीच 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे को दी गई मंजूरी। पीएम की पाठशाला, बोर्ड परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा दैनिक जागरण में है। प्रधानमंत्री के हवाले से पत्र लिखता है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अभिभावक अपना विजिटिंग कार्ड न बनाएं। पूर्व रक्षा मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की लंबी बीमारी के बाद निधन को भी अधिकांश समाचार पत्रों ने अहमियत दी है। जनसत्ता के शब्द हैं, नहीं रहे जॉर्ज, अपने जुझारूपन के लिए किए जाएंगे याद। बजट की आहट शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, स्वास्थ्य बजट में 15% तक हो सकता है इजाफा। देश में पहली बार धरती की धधकती गर्मी से बनेगी बिजली, राजस्थान पत्रिका में है। केंद्र सरकार के मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश के रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट में बड़ा प्रयोग शुरू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत और दांडी में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समग्र राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र से पहले आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।